तैयारी है रोहड़ी की तरफ जाने की। रोहड़ी की तरफ आ रखे हैं बहुत सारे बंदर, और बंदर खा रहे हैं भाई आजकल माल्टा। तो माल्टा मेरे ख्याल से अब इस साल लग रहा है कि बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि बंदर पूरे माल्टों को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अभी सुबह देख रहा था मैं यहाँ से, तो फ़ोन आ रहा था रोहड़ी से कि यहाँ आ जा, यहाँ बहुत सारे बंदर। लेकिन उस समय थोड़ा सा व्यस्त था तो जा नहीं पाया। तो अभी जा रहा हूँ एक पन्नी लेके, तो माल्टे होंगे कुछ लेके आएंगे भाई, बंदर खाएंगे इससे अच्छा हम खा लेंगे मज़े से भाई, आराम से। अकेला पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा। बहुत सारे बंदर हैं ऊपर की साइड, काफ़ी आ रखे हैं। और इन बंदरों का इलाज एक ही चीज़ है, वो है कुत्ते। और यहाँ कुत्ते अभी हैं नहीं गांव में, एक सिटी है वो बंदा रहता है, उसको खोलेंगे तो भाग जाएगा। आए हुए हैं रोड़ी की तरफ, और बहुत सारे बंदर थे और मुझे देख के भाग गए हैं दूसरी तरफ। और ये हैं इस पेड़ पे माल्टे, तो इस पे ना बहुत सारे माल्टे आए हुए थे, लेकिन भाई बहुत कम दिख रहे हैं अब, क्योंकि सारे बंदरों ने खा दिए। और ये देखिए बंदरों ने यहाँ पे खा के बिल्कुल माल्टों के ढेर लगाए हुए हैं, ये सारे यहाँ नीचे माल्टे खा खा के, आधा आधा खा के फिर फेंक देते हैं बंदर। यार पूरे माल्टे तो खाते भी नहीं हो, और इस पेड़ के नीचे पूरे माल्टे खा के ऐसे फेंके हुए हैं बंदरों ने। ये निकालने पड़ेंगे कुछ माल्टे, और कुछ तो इसमें कच्चे हैं, जो कच्चे हैं वो छोड़ रखे हैं बंदरों ने, पके हुए माल्टे सारे खा गए। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि इसमें से माल्टे निकालने कैसे हैं। तो माल्टे के पेड़ से माल्टे निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि माल्टे के पेड़ पे इतने सारे कांटे होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से निकालना। वैसे भी मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा होता तो यार थोड़ा बहुत निकाल भी देते, लेकिन यहाँ से माल्टे निकालना बहुत मुश्किल है। और नीचे मैंने थैली रखी हुई है, अगर मैं ऊपर पेड़ पे चढ़ा और तब तक यहाँ बंदर आ गए तो थैली लेके भाग जाएंगे वो, और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी इस पे थोड़ा बहुत जो माल्टे मैंने निकाले हैं, ज़्यादा माल्टे मैं निकाल नहीं पाया, तो 8 और 10 दाने निकाल पाया बस। इससे ज़्यादा मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रहा हूँ, और ऊपर चल रहा हूँ फिर यहाँ आसपास बंदर है तो नीचे थैली उठा देंगे वो, क्योंकि मेरे साथ दूसरा बंदा भी नहीं है नीचे। तो जिस दिन कोई दूसरा बंदा होगा साथ में, उस दिन निकालने पड़ेंगे। मुझे जिस हिसाब से बंदर आ रखे हैं, लग नहीं रहा है कि यार माल्टे बच पाएंगे इस साइड, क्योंकि यहाँ ना जो खड़ी के पेड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, और उन पेड़ों पे बंदर चढ़ जाते हैं, फिर कोई क्या ही कर सकता है, हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर पत्थर मारो उनको, फिर वो थोड़ा बहुत इधर उधर भागते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से पेड़ पर आ जाते हैं। तो यहाँ बड़ी दिक्कत है माल्टे निकालने की, तो एक बंदा और चाहिए चाहिए भाई साथ में, नहीं तो ऐसे तो यहाँ मुश्किल है माल्टों को निकालना। थोड़ा बहुत जो निकाल पाया हूँ वो रख देंगे संभाल के, और फिर कुछ और निकाल देंगे, नहीं तो सारे माल्टे बंदर खा जाएंगे। और देखिए यहाँ बैठे हुए हैं छत में आराम से। हाँ जी मिस्टर, और डर भी नहीं रहे ना ये बिल्कुल, बड़े ढीठ हो चुके हैं बंदर ये भाई साहब, हमें हमेशा ही मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहीं बूढ़ा जी के खेत में, तो यहाँ पे बूढ़ा जी रोड़ी में मकान है, और यहाँ पे ये भाई साहब आराम से पता नहीं कुछ ढूंढ रहे हैं यहाँ मिट्टी के अंदर, और यहाँ पे बच्चिया भी है। तो ये भाई साहब हमेशा ही मिल जाते हैं, और इसे कहते हैं गोल, यानी हमारे यहाँ कहते हैं गोलू। तो बड़े ख़तरनाक होते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, क्योंकि सांप वगैरह को ये मार देते हैं आसपास जो भी सांप वगैरह होंगे। और आजकल जितने भी मिल रहे हैं उन पे चोट लगी हुई है, और इस पे भी चोट लगी हुई है, क्योंकि इसका एक पैर टूटा हुआ है। तो एक ये गाय की बछिया है यहाँ पे छोटी सी, तो ये छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं ना, इनको भी बहुत परेशान करते हैं बंदर, इनकी पूंछ खींचते रहते हैं और इनके साथ खेलते रहते हैं जो बंदर होते हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जानवरों को बंदर। और अभी कुछ यहाँ ऊपर की तरफ भगा दिया मैंने, बस औरतों को देख के तो डर ही नहीं रहे हैं। और ये पेड़ देखे पूरा खाली है, और नीचे अभी 4 दाने इस पे थे, वो मैंने निकाल दिए हैं दादी जी के पेड़ पे, और बाकी सारे पेड़ खाली कर दिया, पूरा पेड़ खाली करा हुआ बंदरों ने। अभी दिन का खाना खा लिया है मस्त चौंसा और भात, जो भट्ट का चौंसा होता है, भट्ट और उसमें गात वगैरह मिक्स करके और सिलोटे में पीस के बनाया जाता है चौंसा। तो चौंसा और भात खाया है मस्त,
दिन में। और अभी आजकल तो भाई दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। ऊपर से बंदरों ने बहुत परेशान करा हुआ है। आज खटाई बनाने की प्लानिंग है फिलहाल, लेकिन अभी बंदर खटाई बनाने नहीं दे रहे हैं। जब तक खटाई बनाने की तैयारी होती है तब तक बंदर परेशान कर लेते हैं। और उसके बाद यार वही, ये देखिए यहाँ भी नीचे दादी बंदर भगाने में लगी हुई हैं। तो बंदर आज बहुत ज़्यादा आ रखे हैं गाँव में, और आज काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं। वैसे साइड में रहते थे, वह गाँव के बीच में नहीं आते थे, लेकिन आज बहुत सारे बंदर आ रखे हैं गाँव के बीच में। और यहाँ नीचे बहुत सारे हैं खेतों की तरफ, और कुछ इधर होंगे। हे वानर, हे वानर, देख वही अभी प्लानिंग की बात चल रही थी कि माल्टे लुणियाने हैं, पर लुणियाने का खान बल जब बांदर होना एक दुनिया भरी का छने। हाँ तो अभी खेतों की तरफ आ रखे हैं, और पीछे बड़ी दूर हमारा गांव दिख रहा होगा आपको, एक दो घर दिख रहे हैं यहाँ से। तो बंदरों को भगाने के चक्कर में धीरे धीरे हम नीचे आते रहे, और बहुत नीचे पहुँच चुके हैं, सड़क के बिल्कुल पास में हैं। लेकिन बंदरों को भगाना बहुत मुश्किल है भाई साहब, बिना कुत्तों के बहुत मुश्किल काम है। कुत्ते लाने पड़ेंगे, पर कुत्तों को पालने की बड़ी दिक्कत है यहाँ। कुत्ते को पालने के लिए कोई तैयारी नहीं है। एक दो भाई साहब यहीं कहीं हैं, ये देखिए ये भाई साहब यहीं पे हैं अभी। तो ये पता नहीं यहाँ पे छुपे हुए हैं, क्यों हैं, अपनी टीम के साथ नहीं गए। वैसे टीम इनकी नीचे जा चुकी है, दूसरे तैला बोलते हैं उस तरफ, तो तैला की तरफ जा चुके हैं, और ये भाई साहब यहीं पे बैठे हुए हैं अभी। तो खेतों में आजकल बोए हुए हैं गेहूँ, और गेहूँ के साथ होती है लई, लई का साग बनाया जाता है कापला। तो सर्दियों में ज़्यादातर यही चीज़ें खाई जाती हैं, कापला वगैरह, और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भात के साथ जो कापला होता है लई का, जो सरसों का साग होता है, तो उसका कापला बनाया जाता है गांव की तरफ ज़्यादातर। तो वही बस खेतों को उधड़ उधड़ के गेहूं के पौधे निकाल निकाल के उनके नीचे से गेहूं खा रहे हैं ये। गेहूं के पौधे अभी छोटे छोटे हैं काफ़ी, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस प्रकार से गेहूँ और यहाँ पर सरसों के जो पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे पौध निकल रही हैं अभी। ये देखिए हमारा गांव ऊपर की तरफ दिख रहा है काफ़ी ऊपर, और फिलहाल इस खेत में आप देख सकते हैं यहां पे काफ़ी जल्दी मेरे ख्याल से हल लगा दिया था लोगों ने। और यहां पे ये है गेहूं, जो ये वाले पत्ते हैं ये गेहूं के हैं, और ये साथ में है लही, जो लई होती है जो सरसों का साग होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी पौध उगी हुई है, तो इन्हीं का सत्यानाश करते हैं ये बंदर। तो आप ये सोच सकते हैं कि बंदर भगाना इतना मुश्किल क्यों है, कि पूरे गांव में बंदर भगाने के लिए एकमात्र लड़का मैं हूं, बाकी ज़्यादातर यहां बुज़ुर्ग लोग हैं, और एक लड़का होने की वजह से ना मैं इतना नहीं भगा पाता यार, कितना भगा पाऊंगा। ऊपर से हमारे खेत वगैरह भी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ जो आस पास आगे, या फिर कभी मैं खेतों की तरफ आया रहता हूँ। जैसे कि अभी नीचे थोड़ा खेतों की तरफ और जो डिग्गी वाला खेत है उस तरफ जा रहा था मैं देखने, क्योंकि उस तरफ हमने थोड़ा बहुत क्यारी करी रहती है, फिलहाल आजकल तो नहीं है। मैं देखने जा रहा था, मैंने कहा कुछ बोएंगे यहाँ पे, तो वही चेक करने जा रहा था, तभी वहाँ बंदर आ गए, उनको भगाते 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 फिर नीचे सेहरा की तरफ आ गया, खेतों की तरफ, और फिर खेतों से बहुत नीचे पहुँच गया। और अभी यहाँ से ऊपर नीचे आने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, नीचे तो भाई साहब फटाफट भागा जाता है। और बचपन में तो बहुत ज़्यादा भागते थे, थकते भी नहीं थे हम बचपन में, बहुत सारे लड़के होते थे तो बंदर भगाने के लिए हम लड़के लोग ही जाते थे, और भाई बहुत नीचे तक जाते थे, और घर वाले भी कुछ नहीं बोलते थे उस समय, क्योंकि सब गांव में रहते थे तो काफ़ी लोग रहते थे। और अभी लोग कम हो चुके हैं, और अभी घर से थोड़ा इधर उधर जाओ तो घर वाले कहते हैं भाई वहाँ मत जाओ, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ मत जाओ, वहाँ ऐसा होता है, वगैरह वगैरह। तो अभी काफ़ी दिक्कत होती है, तो वहाँ सामने की तरफ बूढ़ा जी भगा रहे थे, यहाँ मैं था और एक दादी जी भगा रही थी दूसरी तरफ, तब जाके बंदरों से भाई छुटकारा मिला है इस समय। और अभी मैं जो नहर होती है गांव की उस पे जा रहा हूँ, तो ये नहर से ही रास्ता है ऊपर जाने का,
तो ये नहर से होते हुए ही ऊपर जाऊंगा अभी। और नहर में आजकल भाई कड़क धूप में सांप वगैरह भी आए रहते हैं, तो थोड़ा इसलिए मैं कैमरे की तरफ कम ही देख रहा हूँ, क्योंकि धूप सेकने सांप वगैरह आए रहते हैं बाहर, तो पैर पे अगर काट दिया उन्होंने तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। वहाँ पे ये बंजर खेत टाइप के दिख रहे होंगे आपको, इसको कहते हैं देवता का शिमला। देवता का शिमला मतलब ये काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है हमारे यहाँ। तो यहाँ देवता क्या है, वैसे देवता जब त्रिशूल भर आता है क्षेत्रपाल देवता का, तो यहाँ भी आते हैं वो त्रिशूल में देवता जो है, यहाँ देवता के शिमला पे भी आते हैं। और देवता का धारा मैंने ऊपर आपको काफ़ी बार दिखाया है, जो पानी बह रहा है यहाँ, जो पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो ये पूरा पानी देवता के धारे का ही आता है यहाँ। तो अभी देवता के धारे के पास मैं पहुँचने वाला हूँ फिलहाल, और अभी धीरे धीरे यहाँ से ऊपर बढ़ रहे हैं। नीचे उतरने में तो काफ़ी मज़ा आता है, बहुत ही जल्दी जल्दी खेतों में कूद मारो मारो और नीचे पहुंच जाते हैं। फिर ऊपर जाते टाइम बड़ा मुश्किल होता है ऊपर जाना, क्योंकि चढ़ाई इतनी होती है। और वैसे तो मैं देवता का धारा कई बार दिखा चुका हूं आपको, लेकिन चलिए जब यहां पे आ रखे हैं तो एक बार फिर से यहां पे ये है देवता का धारा। और वहाँ से तो वैसे कोई भी नहीं जाता है, मैं भी नहीं जाऊँगा वहाँ से, तो वहाँ से कोई भी नहीं जाते हैं, वहाँ सिर्फ जो देवता जब नहलाते हैं तो उसी समय जाते हैं, या चप्पल उतार के आप पानी पी सकते हैं वहाँ का, तो पानी काफ़ी अच्छा पानी है वो। तो काफ़ी पुराना ये धारा है, और आप देख सकते हैं खेत है ऊपर से पूरा, और खेत के नीचे से ये बीच से जो खेत की दीवार है उसमें ये धारा है, तो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे है देवता का धारा, और सामने क्षेत्रपाल देवता का जो मंदिर है बिल्कुल इसके शिस्त पे है, यहाँ सामने देवता का धारा। बगाने तो गए थे, लेकिन मुझे पता है अभी थोड़ी देर में जैसे हम ऊपर आए हैं तो वैसे पीछे से बंदर भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ ही रहे होंगे, तो बंदर भी काफ़ी ढीट हो चुके हैं, इसलिए कुत्तों को पाला जाता है गाँव की तरफ ज़्यादातर, ताकि यार इंसानों को इतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि यार कुत्तों का जो क्षमता है वो इंसानों से ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा भाग सकते हैं, ज़्यादा देर तक रखवाली करने के लिए ही कुत्ते रखे रहते हैं वैसे गांव में। लेकिन अभी जब से जबरू गया है तब से यहाँ बंदरों का मतलब आना जाना बहुत ज़्यादा लगा है, बंदर मतलब जाने का नाम नहीं ले रहे हैं गांव से। अब तो खैर पूरा भाई बर्बाद कर दिया बंदरों ने आजकल, माल्टे जो लगे हुए थे संतरे सब खा लिए हैं, और इस बार हमारे नसीब में थोड़ा बहुत तो माल्टे होंगे। अभी पकने मतलब अभी पूरा मीठे नहीं हुए हैं माल्टे ना, पक के एकदम मीठे हो जाते हैं, तो उससे पहले लोग तोड़ने शुरू कर दिए, अंदर रखने शुरू कर दिए, अब अंदर ही पकाएंगे तो अंदर फिर उनमें इतना टेस्ट रह नहीं जाता है, पर क्या करें बंदरों की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है लोगों को। तो अभी हो चुकी है शाम और धूप भी चली गई है, और आज दिन भर का यही कार्यक्रम था भाई, बंदर आ रहे थे और बंदरों को ही भगा रहे थे दिन भर। तो अभी फिर आज का दिन भी पूरा ख़त्म हो चुका है, और आज की इस वीडियो को भी इस ढलती हुई धूप के साथ समाप्त करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको कल अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियो आती रहती हैं चैनल पे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दें, ताकि जब भी ऐसी वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।